नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल NSP न्यूज़ में। मैं वैष्णवी, बात करेंगे आज हम, अगर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री की फट जाए गाड़ी का टायर तो क्या होगा। चलिए, हमारे साथ एक शख्स है, अभिषेक नाम है इनका, इनसे बात करते हैं हम। अभिषेक जी, आप कैसे हैं जी? सबसे पहले तो धन्यवाद अपने न्यूज़ चैनल में बुलाने के लिए। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी मंत्री और प्रधानमंत्री की फट जाए गाड़ी का टायर तो क्या होगा। जी कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा इधर आजू बाजू में जो लोग चलते हैं ना, वो टायर ट्यूब पंचर लगाने से रिलेटेड सारा सामान लेके चलते हैं। वो हो सकता है आपकी टायर अगर फट जाता है तो वो आपके जो टायर है टायर पे ट्यूब लगा देंगे, और साथ साथ हो सकता है कि फूक के भर भी दे। ऐसा भी हो सकता है कि फूक के भी भर सकते हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। इतने पहलवान टाइप के इंसान होते हैं, एक एक फूक सब मारेंगे तो भर जाएगा टायर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं वो बॉडीगार्ड से कम पंचर वाले ज़्यादा हैं। देखिए वो सर्वगुण संपन्न टाइप के लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब उनके अंदर इतनी कलाएं होती है ना, जब भी उनको रखा जाता है उनके साथ, अगर ऐसी बातचीत होती, अगर ऐसी अरे गहरे को रख लेंगे तो ऐसे होने चलेगा। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड इनके लिए बॉडी टैलेंटेड है भरपूर, उनको उनको हर चीज़ आती है, संपूर्ण कला से रिलेटेड है। अगर आप कहो ना इंजन खोल के दोबारा बांध दो, वो भी कर देंगे। तो कहना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी भी खोल के बना सकते हैं। देखिए गाड़ी खोलने की तो आम बात है, वो हेलीकॉप्टर खोल दें। आप गाड़ी की छोटी मोटी बात करें, वो हेलीकॉप्टर खोल दें। पहले तो आप मेरे को ये बताइए, टीवी पे आएगा? हाँ, ये एक खास बात होगी कि टीवी पे आ रहा है, मतलब मैं आप पॉपुलर हो जाएंगे। घर पे फोन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, फोन करिए फोन करिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मम्मी, मैं टीवी पे आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये एन एस पी न्यूज़ पे या मैं टीवी पे आ रहा हूँ। और ना 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 ना, मैंने क्राइम नहीं करा। नहीं, मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं कि मंत्री जी की अगर कोई गाड़ी में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ हाँ, तो नहीं मैम से अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। आप ज़रूर देखिएगा हमारा जो शो जो आ रहेगा ना, अभी एडिट होके आएगा। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मैं आपसे बात ना करता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, इन्हें अपनी मम्मी जी से बात कर लिए, इसे आगे बात बढ़ाते हैं हम। ये बताया, अगर गाड़ी का टायर एकदम से फट जाए तो क्या होगा? जी कुछ नहीं होगा, आजू बाजू वाले होंगे वो हड़कंप में आ जाएंगे कि ये क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, क्योंकि एकदम से आवाज़ इतनी तगड़ी तरीके से आएगी। तो तरीके से आवाज़ आती है जी, हमने ऐसे फटते हुए देखी नहीं किसी की, ऐसे टायर अगर फट जाती है। बाकी हो तो सकता है कि आवाज़ तेज़ी आएगी, ये तो मानने वाली बात है, तेज़ी आएगी। कैसे आवाज़ आएगी? फट 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 पटर 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 पटर। आवाज़ तो देखिए जी, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का टायर है, कौन सी कंपनी की गाड़ी है, और कितनी ज़्यादा उसमें कैपेसिटी है, कितना उसमें हवा भरी हुई है, वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी तो आवाज़ तो ऐसे आएगी, धड़ूम से ऐसे कुछ करके। अच्छा, हमारा एक और सवाल है, अगर आपका वो गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो उसकी ट्यूब आप वहीं छोड़ जाते हैं पंचर वाले के पास या अपने पास साथ लेकर आते हैं? भैया देखिए, हम तो ले आते हैं। ऐसे क्यों? देखिए क्योंकि ऐसा होता है ना कि ट्यूब से वो काफ़ी सारे काम भी कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, वसीम नाम है उसका, वसीम अकरम, ट्यूब से गुलेल बना देता है। ऐसा नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब इतना कारीगर बंदा है ना, ट्यूब से बना देगा गुलेल, या बन देगा प्याऊ, प्याऊ भी बना लेता है वो। ऐसे करके पानी आप सर्दियों में या फिर गर्मियों में आप पानी लेके जा सकते हैं, मतलब एकदम कलाकार टाइप का बंदा है। और एक मेरा दोस्त है, वो क्या नाम है उसका, वो है साउथ है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी कलाकार है। वो टायर की ट्यूब जो होती है वो आपके टायर पे चढ़ा देगा, और जो आपका टायर जो ख़राब हुआ है ना वो भी सही हो जाएगा, और फिर उसको बेच भी देगा, नया बना के बेचेगा। तो मतलब ऐसी ऐसी कलाकारियाँ आती हैं, तो ट्यूब लेके आ जानी चाहिए। आपको भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ट्यूब लेके जाते हैं या ट्यूब सही कराते हैं तो लेके ज़रूर आइएगा, वरना हो सकता है कि आप ही को चूना लग जाए, ध्यान रखिएगा उस बात का। हाँ, तो ये थे अभिषेक हमारे साथ, इनने बताया ट्यूब के अपने घर लेकर जाए, दुकान पे ना छोड़े। शुक्रिया, इस चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए।